सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस OTT सीजन 2 पे जितनी गर्ल्स है उनके बारे में। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल अगर मुझे कोई लगी ना तो वो थी मनीषा रानी। देखो ये बंदी जब आई ना तो भाई एकदम भयानक भौकाल लेकर के आई। उसके अंदर में एक फ्लो था और वो फ्लो जो है ना लोगों को चुप करा दिया था। सलमान खान वॉज लाइक कि भाई तू पहले बोल ले, तेरा खत्म हो जाएगा तो मैं बोलूंगा। ये बंदी घर के अंदर गई और जाने के बाद फॉरनर से ऐसे चिपकी, मतलब अपने जैद हदीदी से, मतलब इसको तो हम पटा के ही मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। बाहर दुबई उबई में मस्त घर वर फ्लैट वलैट होगा तो भाई पटा लेंगे, बिहार के जीजू बनेंगे, बिहार के जमाई बनेंगे और फिर एकदम टकाटक जीवन हो जाएगा। तो ये मैडम जो है फुल इसी नियत से थी। लेकिन आकांक्षा पुरी जब एंट्री मारी, मैं सच बता रहा हूँ आकांक्षा पुरी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो स्टेज पे आई थी तो मुझे ऐसा लगा था भाई ब्रश कर लेना बनता था, या तो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर चुकी है जिसके वजह से दांत ऐसे हो गए हैं। और मेरे मतलब खूबसूरती जब देखते यार तो हर एक चीज को घूर घूर के देखना बनता है। तो भाई उस जगह पे मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, कौन सी आकांक्षा पूरी थी और ये कौन सी दिख रही है। लेकिन जब घर पे एंट्री मारी, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि लाइटिंग की कुछ तो प्रॉब्लम थी। घर के लाइटिंग में जब घुसी ना बॉस तो ऐसा लगा भाई ये वही आकांक्षा पूरी है जिसको सब जानते हैं। और ये जब घुसी फॉरनर भैया जो है जैद हदीदी, मतलब अपने बिग बॉस OTT सीजन 2 के नए भवरे, भाई एकदम गोल गोल घूमने लगे। और ये जब हादसा हुआ उस वक्त में जो मनीषा रानी है ना भाई, वो तो एकदम से गई, मतलब बंदी एकदम टूट गई कि हमरा माल को छीन के ले गई कमीनी, ऐसा चार को और आ जाए हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, हम फ्लर्ट करते थे, हम प्यार करते थे, वो हमसे प्यार करता है, बस तुम लोग कितना भी उनको घुमा लो। तो भैया ये जो लड़कियों का सीन चल रहा है ना, ये कुछ अलग लेवल पे चल रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे एक वाइब या फीलिंग कह लो आ रही है कि जिया का और वो सचदेवा का जो है ना बीच में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बैक स्टोरी समझ में आई है अब तक कि वो जो जिया है और पलक है ये दोनों अच्छी फ्रेंड थी, और उस टाइम पे जो है ये जिया से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, नफरत करता था, आज उसी के साथ में बैठ के घंटों घंटों बातें की जा रही है। ये कहा जा रहा है क्या करे यार, हम लोगों की वाइब्स मिलती है, वी आर एक्टर्स। तो भाई ठीक है ना, सेम प्रोफेशन से हो। अब मजा ये आया कि भाई जब पलक एंट्री मारती तो कहती है ये वही बंदा है जो कि इसके नाम से चिढ़ता था, इतना ज्यादा चिढ़ता था और अभी घंटों तक बात कर रहे हैं। वहीं पे आकांक्षा पुरी उससे पूछती है तू इसमें सीरियस है क्या, अभी भी कुछ है बाकी है या सब खत्म हो गया है। वो जिस तरह से कंफर्म कर रही होती ना कि भाई अगर मतलब ऐसा है तो बता दे, क्योंकि हो सकता है आगे जा करके मैं और सचदेवा हो सकते हैं। और दूसरे साइड में जो है वो फॉरनर को भी घुमा रही है, क्योंकि उससे पूछा गया कि तूने अपने विश लिस्ट में ऐसा कुछ डाला था क्या, तूने बताया था डिस्क्रिप्शन कैसा चाहिए, क्योंकि शायद ये तेरे लिए बुलाया गया हो, मतलब हैंडसम बॉडी बिल्डर, साथ में एकदम टैटू वैटू, और खास करके उसके डिस्क्रिप्शन में था। और वो कह भी रही है कि टैटू जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो भाई लड़कियों का सीन कुछ अलग चल रहा है। एंड हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज पूजा भट्ट मैम को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल दो, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। सो अभी तक के डिस्कशन गॉसिप जो भी था वो यही था। आप बताओ इस डिस्कशन में आप किस किस जगह पे एग्री हुए हो, आप अपने ओपिनियंस भी जो है कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। ऐसे और डिस्कशन और गॉसिप्स के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट मिलते रहेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।